उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पालतू पिटबुल के हमले से मां की मौत के बाद अमित त्रिपाठी बेहद दुखी हैं। चेहरे पर मायूसी और नम आंखें हैं, लेकिन दिल में पिटबुल के लिए अब भी प्यार है। गुरुवार को नगर निगम की टीम पिटबुल डॉग को लेने पहुंची तो अमित ने उसे देने से इनकार कर दिया। काफी समझाने के बाद वह तैयार हुए और खुद ब्राउनी को गोद में लेकर नगर निगम की गाड़ी तक पहुंचाया। निगम की टीम उसे लेकर जरहरा स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पहुंची। यहां ब्राउनी को स्पेशल सेल में रखकर उसके बर्ताव पर नजर रखी जा रही है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित त्रिपाठी ने अपने पालतू पिटबुल ब्राउनी को लेकर कई राज खोले। अमित ने कहा कि पिटबुल अग्रेसिव नहीं था, वह माँ के साथ हमेशा खेलता रहता था। अमित ने बताया कि ब्राउनी कभी कभी दरवाजे की घंटी बजने से काफी चिढ़ता था, इसी कारण वह अक्सर गुस्सा भी हो जाया करता था। शायद हमला करने की यही वजह हो। इस घटना के बाद लखनऊ नगर निगम ने पिटबुल को अपने कब्जे में ले लिया है। पिटबुल को नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर रखा जाएगा। वहीं पिटबुल के लाइसेंस को निरस्त भी कर दिया गया है। अमित ने कहा कि मेरे पास कुत्ते का लाइसेंस और वैक्सीनेशन है, कभी कोई कमी नहीं की, खाने के लिए फूड का पूरा इंतजाम रहता था, लेकिन अचानक से ये घटना कैसे हो गई कुछ समझ नहीं आ रहा। यह बड़ा हादसा था, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। 3 साल से मेरे साथ 2 कुत्ते हैं, एक पिटबुल और एक लेब्राडोर, दोनों माँ के साथ खेलते थे। अमित ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अचानक क्या हुआ नहीं पता, जब मैं आया तो माँ खून से लथपथ थी। मेरा कुत्ता कभी नहीं काटता था, मैंने खुद नगर निगम को कुत्ता दिया है, अब मैं उस कुत्ते को देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ को खोया है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। आपको बता दें कि अमित त्रिपाठी पेशे से जिम ट्रेनर है। वे 3 साल पहले पिटबुल को अपने घर लेकर आए थे, तब वह मात्र 3 महीने का था। भूरे रंग का होने के कारण उसका नाम ब्राउनी रखा गया। फिलहाल ब्राउनी को जरहरा में बने एवीजे सेंटर में रखा गया है। यहां 15 दिन तक रखकर उसके बर्ताव पर निगरानी की जाएगी। एवीजे सेंटर में ब्राउनी की नसबंदी भी की जाएगी। नगर निगम की टीम ब्राउनी को लेकर पहुंची तो अमित ने इसका विरोध किया था। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा के समझाने पर वह ब्राउनी को देने के लिए मान तो गए, पर शर्त रखी कि उसे जाल फेंक कर नहीं पकड़ा जाएगा। वह खुद उसे अपनी गोद में गाड़ी तक लेकर गए। घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर ब्राउनी भड़के नहीं, इसलिए अमित ने उसके चेहरे को तौलिए से ढक दिया। गाड़ी पर रखकर अमित ने ब्राउनी को पुचकारा और पीछे जाने को कहा। वह पीछे गया तो गाड़ी में लगे पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। नगर निगम के कर्मचारी पिटबुल को पकड़कर ले गए तो पड़ोसियों ने राहत की सांस ली। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।